आजकल देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। कि दूसरी गारंटी है शिक्षा की, दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया, देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। तीसरा, स्वास्थ्य। पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा, शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जितने उनको मल्टी स्पेशलिटी बनाते हैं उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पर बनाया जाएगा। और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा। हमारी चौथी गारंटी, चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर दिया, तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सके। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा, अग्निवीर तो कच्ची नौकरी हुई ना, कच्ची नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर सेना के ऊपर, उस देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छठी गारंटी किसानों के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के पूरे, सभी फसलों के पूरे दाम MSP के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। सातवीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, जो दिल्ली वासियों का कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी, 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके, ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पे, दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हमने जो वार किया है, उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी। और दसवीं और आखिरी गारंटी, व्यापारियों के लिए GST को PMLA से बाहर किया जाएगा, GST का सरलीकरण किया जाएगा, सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा और एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वो व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है, ज्यादा परमिशंस की जरूरत नहीं होगी। और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को और उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है, जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है, हमारा कंपटीशन उनके साथ है।